नाज़रीन हमारी खुशकिस्मती कि आज एक मरतबा फिर हमारी महफिल में हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर सिंध मोहतरम जनाब इमरान इस्माइल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जुनैद साहब, मैं पिछली दफा जब आया था तो मैं जरा एंट्री, चूंकि हस्ब-ए-हाल में मेरी पहली दफा थी तो मैं चाह रहा था कि वो रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई है जो मेरा आपका ट्रेडमार्क बन गया है मेरा, उससे मैं एंट्री शुरू करूं, इसलिए मेरा ध्यान नहीं पड़ा आपके ये मेहमानों की तरफ। आज मैंने आके देखा गौर से तो आपने तो माशाल्लाह काफी सौदा बिठाया हुआ है। पिछली बार जब आप ये गाना गाते हुए स्टूडियो में आए थे ना, रोक सको तो रोक लो, तो अक्सर सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुझे फोन करके पूछा था जी रोक ले इनको। नहीं, वो रोक नहीं सकते थे, ये उन्होंने आपसे पूछा चूंकि वो आप लोगों से तनख्वाह लेते हैं, मगर तब्दीली को रोक नहीं सकता क्योंकि तब्दीली तो आ चुकी है और मैं खुद एक तब्दीली हूं जुनैद साहब, इसलिए मुझे मेरा ख्याल है सिक्योरिटी गार्ड क्या कोई भी अल्लाह के फजल से अब रोक नहीं सकता। बताएं तो क्या तब्दीली आई है गवर्नर हाउस और ये और वो, लोगों के लिए आपने एक एक दफा लोगों को चक्कर लगवा दिया आपने गवर्नर हाउस का और ये कहना शुरू कर दिया कि तब्दीली है। देखिए जुनैद साहब, पहली हुकूमतें लोगों को वैसे चक्कर देती रही, हमने उनको गवर्नर हाउस का चक्कर लगवा दिया और इससे बड़ी तब्दीली और क्या होगी कि सारी जिंदगी से मैं खुद गवर्नर हाउस के पास से गुजरता हुआ सोचता था कि दीवार के अंदर क्या हो रहा है, या अंदर क्या लगा हुआ है, कोई झूले वूले लगे हुए हैं या क्या हो रहा है, कोई मेला शेला लगा हुआ है, मगर हमने उस दीवार को फलांगने की लोगों को इजाजत दी है, लोगों को अंदर भेजा है, जाए देखे, जाकर चक्कर लगाए, देखे अंदर गवर्नर हाउस क्या है, इससे बड़ी तब्दीली मेरा ख्याल है आ नहीं सकती। अच्छा, सिर्फ गवर्नर हाउस की सैर करवाना आप तब्दीली समझते हैं? और क्या करें बताएं, गवर्नर हाउस के घास पे गोगा खुला छोड़ दें या गवर्नर हाउस के परनाले से गौरी का मुंह निकाल दें या गवर्नर हाउस पे जो तार गुजर रही है उस पे जुल्फी बिठा दें, क्या करें बताएं, गवर्नर हाउस के गेट के ऊपर थैला जिबा कर दें, क्या चाहते हैं आप, कौन सी तब्दीली चाहते हैं? क्या हो गया इमरान साहब आपको? हद हो गई है, आपको चाहिए कि आप एक्सेप्ट करें और ये मेरा साथ दें कि वाकई बड़ी तब्दीली आ चुकी है। वैसे हम सब में से थैले की जोक का मजा आया, उसको गेट पे जिबा किया। अच्छा इमरान साहब, जो तब्दीली एक अच्छी बात देखने में आई है कि गुज़श्ता रोज आपने सिंध में 3 रोजा सफाई मुहिम का आगाज किया है और अपने हाथों से कचरा उठाया, ये बड़ी जबरदस्त बात है। ये कोई जबरदस्त बात नहीं है, ये आपके लिए जबरदस्त बात होगी, मैं तो ये करके फंस गया हुआ हूं। इस मुहिम के बाद घर गया हूं तो आपकी भाभी ने कहा कि ये जिम्मेदारी अब घर में भी आपकी हो। अच्छा। अब जिम्मेदारियां बढ़नी शुरू हो गई हैं, वो कहती हैं जहां सफाई कर लेते हो बर्तन भी धो दिया करो, जहां बर्तन धो देते हो बर्तन गंदे करने का काम भी खुद ही करो, यानी हंडिया भी चढ़ा दिया करो, आटा गूंदने का काम भी लगा दिया उसने, आटा गूंद रहा हूं तो कहती है हिलते क्यों हो। अच्छा सर जी, किचन में एप्रन बांध के भी आप गाना गा रहे होते हैं, रोक सको तो रोक लो तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, बर्तन धोते हुए गाना गा रहा था, रोक सको तो रोक लो पतीली ही है। होनी चाहिए आप लोगों को एक सीरियस तब्दीली जो मैं लेके आया हूं, खास तौर पे सिंध के अंदर आप लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, आपको चाहिए कि आप खुद भी इस तब्दीली में शामिल हो। सर आपको अप्रिशिएट कि आप तो कई सालों से इस तब्दीली में शामिल हैं, ये जो एप्रन वाली इन्होंने बताई है, आप अपने बाकी साथियों को भी कहें कि इस तब्दीली में हिस्सा लें। सर असल में आप गेटअप करके बच जाते हैं खुद। व्हाट इज दिस नाम सर, कौन सा गेटअप? आपसे ज्यादा अच्छे बर्तन कौन धोता? अच्छा सर, जो आपकी हुकूमत ने नजायज तजावजात गिराई है, बहुत अच्छा किया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। लेकिन हजूर, कहीं आप ये कहते हुए पाए गए हैं कि नाजायज तजावजात हम नहीं गिरा रहे, सिंध हुकूमत गिरा रही है? यार किसी सहाफी के होते हुए कोई बात करना मेरा ख्याल है एक अजाब बन गया हूं। बताए ना, जाने दो, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है खत्म बात। जवाब दे, मैं भी सवाल ही कर रहा हूँ। देखिए जहां जहां पे कराची में नजायज तजावजात गिराने को लोगों ने अप्रिशिएट किया है और लोगों की जान छूटी और लोग बेचारे सुख का सांस ले रहे हैं, वो तो वाकई पीटीआई ने गिराई, वफाकी हुकूमत ने गिराई। अच्छा। और जहां जहां लोग बददुआएं दे रहे हैं वो हमने नहीं गिराई, क्योंकि पहले ही हम दुआओं से आए हैं हुकूमत में, अब बददुआएं लेके वापस नहीं जा सकते। यानी ये जो इतना अच्छा काम इंक्रोचमेंट का जो किया, ये सिंध हुकूमत ने किया? हमने किया, आपको बताया तो है। लोग रो रहे हैं उधर जिनका कारोबार बंद हो गया है, तो सिंध हुकूमत को सोचना चाहिए। अच्छा काम किया, तो आपने किए, लोग रो रहे हैं तो सिंध हुकूमत को।
भाई ये वाकई ये कहीं ऐसा जुल्म हुआ है जुनैद साहब के, आपको मैं बता नहीं सकता। देखिए अगर कानून के मुताबिक काम हो रहा है तो इमरान साहब आपको स्टैंड लेना चाहिए। स्टैंड लिया अपने अल्लाह के फजल से। सर जी कई घरों के चूल्हे बंद हो गए तो आप तंदूर से मंगवा लिया करें, आपकी तो पहले भी चूल्हे से पूरी नहीं पड़ती। अच्छा इमरान साहब ये अचानक आपने जरदारी साहब के साथ चोंचे लड़ा ली, ले बताए चोंचे लड़ा लिए? यार मैं गवर्नर हूं, आपने मुझे बगला बना दिया। मेरा मतलब है कि बयान ऐसी बात अगर आपने चोंचों वोचों की करनी है तो आपके पास है जुल्फी उसके करें। भाई मैं मेहमान आया हूं और एक मौजूद मेहमान हूं, मेरे साथ उसी हवाले से बात की जाए। हमारे व्यूअर्स तो आपकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, जब आप गाना गाते हैं तो लोग सर धुनते हैं। रोक सको तो रोक लो तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। ये क्यों इस शख्स ने दिया था, और मैं इसे समझता हूं कि ये चाह रहा है कि एक दफा गा दूं, हालांकि ये चार डांस भी रहा था साहब। अच्छा बात हो रही थी जरदारी साहब की। जी जरदारी साहब जुनैद साहब परेशान हैं, और मैं उनके बारे में सिर्फ इतना कहूंगा कि जो बोया हुआ है वो तो काटना पड़ेगा। वाह क्या मिसाल दी है, पहली दफा ये सुनी मिसाल। बेटा ऐसी खुशामद की अब जरूरत नहीं है क्योंकि मिनिस्ट्रियां खत्म हो चुकी। देखे जरदारी साहब एक चालाक आदमी, बड़े समझदार बंदे, उनको सब पता है कि मैंने क्या किया हुआ है, और वो ये सब कुछ सामने देख के तो रो रहे हैं, मगर बड़े छात्र हैं, रोते हुए जब कैमरे वाले सामने आते हैं तो उसी रोने में मुंह हंसी वाला बना देते हैं। हाँ हाँ मैंने खुद उनको रोने में हंसी मिक्स करते हुए देखा। नाज़िम हमारी खुशकिस्मती कि आज एक मरतबा फिर हमारी महफिल में हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर सिंध मोहतरम जनाब इमरान इस्माइल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जुनैद साहब, मैं पिछली दफा जब आया था तो मैं जरा एंट्री, चूंकि हस्ब-ए-हाल में मेरी पहली दफा थी तो मैं चाह रहा था कि वो रोक सको तो रोक लो तब्दीली आई रही, जो मेरा आपका ट्रेडमार्क बन गया है मेरा, उससे मैं एंट्री शुरू करूं, इसलिए मेरा ध्यान नहीं पड़ा आपके ये मेहमानों की तरफ। आज मैंने आके देखा गौर से तो आपने तो माशाल्लाह काफी सौदा बिठाया हुआ है। पिछली बार जब आप ये गाना गाते हुए स्टूडियो में आए थे ना, रोक सको तो रोक लो, तो अक्सर सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुझे फोन करके पूछा था जी रोक ले इनको। नहीं वो रोक नहीं सकते थे, ये उन्होंने आपसे पूछा चूंकि वो आप लोगों से तनख्वाह लेते हैं, मगर तब्दीली को रोक नहीं सकता क्योंकि तब्दीली तो आ चुकी है और मैं खुद एक तब्दीली हूं जुनैद साहब, इसलिए मुझे मेरा ख्याल है सिक्योरिटी गार्ड क्या कोई भी अल्लाह के फजल से अब रोक नहीं सकता। जी जी बताएं सोना क्या तब्दीली आई है गवर्नर हाउस और ये और वो, लोगों के लिए आपने एक एक दफा लोगों को चक्कर लगवा दिया आपने गवर्नर हाउस का और ये कहना शुरू कर दिया कि तब्दीली। देखिए जुनैद साहब पहली हुकूमतें लोगों को वैसे चक्कर देती रही, हमने उनको गवर्नर हाउस का चक्कर लगवा दिया और इससे बड़ी तब्दीली और क्या होगी कि सारी जिंदगी से मैं खुद गवर्नर हाउस के पास से गुजरता हुआ सोचता था कि दीवार के अंदर क्या हो रहा है, या अंदर क्या लगा हुआ है, कोई झूले वूले लगे हुए हैं या क्या हो रहा है, कोई मेला शेला लगा हुआ है, मगर हमने उस दीवार को फलांगने की लोगों को इजाजत दी है, लोगों को अंदर भेजा है, जाए देखे जाके चक्कर लगाए देखे अंदर गवर्नर हाउस क्या है, इससे बड़ी तब्दीली मेरा ख्याल है आ नहीं सकती। अच्छा सिर्फ गवर्नर हाउस की सैर करवाना आप तब्दीली समझते हैं? और क्या करें बताएं, गवर्नर हाउस के घास पे गोगा खुला छोड़ दें या गवर्नर हाउस के परनाले से गौरी का मुंह निकाल दें या गवर्नर हाउस पे जो तार गुजर रही है उस पे जुल्फी बिठा दें, क्या करें बताएं, गवर्नर हाउस के गेट के ऊपर थैला जिबा कर दें, क्या चाहते हैं आप, कौन सी तब्दीली चाहते हैं? क्या हो गया इमरान साहब आपको? हद हो गई है, आपको चाहिए कि आप एक्सेप्ट करें और ये मेरा साथ दें कि वाकई बड़ी तब्दीली आ चुकी है। वैसे हम सब में से थैले की जोक का मजा आया, जोक नहीं किया उसको गेट पे जिबा किया। अच्छा इमरान साहब जो तब्दीली एक अच्छी बात देखने में आई है कि गुज़श्ता रोज आपने सिंध में 3 रोजा सफाई मुहिम का आगाज किया और अपने हाथों से कचरा उठाया, ये बड़ी जबरदस्त बात है। ये कोई जबरदस्त बात नहीं है, ये आपके लिए जबरदस्त बात होगी, मैं तो ये करके फंस गया हुआ हूं। इस मुहिम के बाद घर गया हूं तो आपकी भाभी ने कहा कि ये जिम्मेदारी अब घर में भी आपकी हो। अच्छा अब जिम्मेदारियां बढ़नी शुरू हो गई हैं, वो कहती हैं जहां सफाई कर लेते हो बर्तन भी धो दिया करो, जहां बर्तन धो देते हो बर्तन गंदे करने का काम भी खुद ही करो, यानी हंडिया भी चढ़ा दिया करो,
आटा गूंदने का काम भी लगा दिया उसने, आटा गूंद रहा हूं तो कहती है हिलते क्यों हो। अच्छा सर जी, किचन में एप्रन बांध के भी आप गाना गा रहे होते हैं, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई तब्दीली आई रे, बर्तन धोते हुए गाना गा रहा था, रोक सको तो रोक लो पतीली ही है। ठंड होनी चाहिए आप लोगों को, एक सीरियस तब्दीली जो मैं लेके आया हूं खासतौर पर सिंध के अंदर, आप लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आपको चाहिए कि आप खुद भी इस तब्दीली में शामिल हो। सर आपको अप्रिशिएट कर, आप तो कई सालों से इस तब्दीली में शामिल हैं, ये जो एप्रन वाली इन्होंने बताई है, आप अपने बाकी साथियों को भी कहें कि इस तब्दीली में इस साले। सर असल में आप गेटअप करके बच जाते हैं खुद। और इस्लाम से कौन सा गेटअप, आपसे ज्यादा अच्छे बर्तन कौन धोता है। अच्छा सर, जो आपकी हुकूमत ने नजायज तजावजात गिराई है, बहुत अच्छा किया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। लेकिन हजूर, कहीं आप ये कहते हुए पाए गए हैं कि नाजायज तजावजात हम नहीं गिरा रहे, सिंध हुकूमत गिरा रही है? यार किसी सहाफी के होते हुए कोई बात करना मेरा ख्याल है एक अजाब बन गया हुआ। बताए ना, जाने दो, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है खत्म बात। जवाब दे, मैं भी सवाल ही कर रहा हूँ। देखिए, जहाँ जहाँ पे कराची में नजायज तजावजात गिराने को लोगों ने अप्रिशिएट किया और लोगों की जान छूटी और लोग बेचारे सुख का सांस ले रहे हैं, वो तो वाकई पीटीआई ने गिराई, वफाकी हुकूमत ने गिराई। अच्छा। और जहाँ जहाँ लोग बददुआएं दे रहे हैं वो हमने नहीं गिराई, क्योंकि पहले ही हम दुआओं से आए हैं हुकूमत में, अब बददुआएं लेके वापस नहीं जा सकते। यानी ये जो इतना अच्छा काम इंक्रोचमेंट का जो किया, ये सिंध हुकूमत ने किया? हमने किया, आपको बताया तो है। लोग रो रहे हैं उधर जिनका कारोबार बंद हो गया है, तो सिंध हुकूमत को सोचना चाहिए। अच्छा काम किया तो आपने किए, लोग रो रहे हैं तो सिंध हुकूमत को सोचना चाहिए। भाई ये वाकई ये कहीं ऐसा जुल्म हुआ है जुनैद साहब के, आपको मैं बता नहीं सकता। देखिए, अगर कानून के मुताबिक काम हो रहा है तो इमरान साहब आपको स्टैंड लेना चाहिए। स्टैंड लिया आपने अल्लाह के फजल से। सर जी कई घरों के चूल्हे बंद हो गए, तो आप तंदूर से मंगवा लिया करें। आपकी तो पहले भी चूल्हे से पूरी नहीं पड़ती। अच्छा इमरान साहब, ये अचानक आपने जरदारी साहब के साथ चोंचे लड़ा ली? ले बताएं, चोंचे लड़ा लिए? यार मैं गवर्नर हूं, आपने मुझे बगला बना दिया। मेरा मतलब है कि बयान ऐसी बात, अगर आपने चोंचों मोचों की करनी है तो आपके पास है जुल्फी, उससे करो। भाई मैं मेहमान आया हूं और एक मौजूद मेहमान हूं, मेरे साथ उसी हवाले से बात की जाए। हमारे व्यूअर्स तो आपकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, जब आप गाना गाते हैं तो लोग सर धुनते हैं। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। ये क्यों इस शख्स ने दिया था, और मैं इसे समझता हूं कि ये चाह रहा है कि एक दफा गा दूं, हालांकि ये चार डांस भी रहा था साहब। अच्छा बात हो रही थी जरदारी साहब की। जी जरदारी साहब, जुनैद साहब परेशान हैं, और मैं उनके बारे में सिर्फ इतना कहूंगा कि जो बोया हुआ है वो तो काटना पड़ेगा। वाह क्या मिसाल दी है, पहली दफा ये सुनिए मिसाल। बेटा ऐसी खुशामद की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि मिनिस्ट्रियां खत्म हो चुकी। देखे जरदारी साहब एक चालाक आदमी, बड़े समझदार बंदे, उनको सब पता है कि मैंने क्या किया हुआ है, और वो ये सब कुछ सामने देख के तो रो रहे हैं, मगर बड़े छात्र हैं, रोते हुए जब कैमरे वाले सामने आते हैं तो उसी रोने पे मुंह हंसी वाला बना देते हैं। हाँ हाँ, मैंने खुद उनको रोने में हंसी मिक्स करते हुए देखा। नज़रिया मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।